पंजाब की मौजूदा सियासी व आइनी बुहरानी सूरत हाल में बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इतिहादियों के साथ मुसलसल मुशावरत जारी है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान से भी टेलीफोनिक रबता किया है, जिसमें सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की गई। ज़राए का कहना है कि हुकूमती इतिहादियों ने जुबा को वफाकी काबीना का इजलास बुलाने का मशवरा भी वज़ीर आज़म को दिया है, तहम इस हवाले से अभी हतमी फैसला नहीं किया गया। वफाकी काबीना के इजलास की सूरत में इतिहादियों का पंजाब की सूरत हाल और वज़ीर आला के तर्ज अमल पर मशावरत की जाएगी और गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन भी वफाकी काबीना में रखे जाने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आज़म के राबतों और मशावरत के बाद पंजाब के सियासी मामलों पर जल्द अहम पेशरफ भी मतवक्के है। ज़राए ने यह भी दावा किया है कि गवर्नर पंजाब अली गौहर रहमान भी मुसलसल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के राबते में हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी नवाज शरीफ से आज भी टेलीफोनिक राबतों के दौरान नई हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया है। आइनी व कानूनी दायराकार में रहकर तमाम इकदाम उठाने पर इतफाक किया गया है और ज़राए का यह कहना है कि वज़ीर आला परवेज लाई को डी नोटिफाई करना है या नहीं करना, इस हवाले से आज शाम तक अहम फैसलों का ऐलान भी मतवक्के है। ऑनलाइन डिजिटल TV ऑफिशियल इस्लामाबाद।